ज्यादा कम हो गया, हल्का सा दे दीजिए, हल्का सा बस। थोड़ा बोलो बेस, मेरा थोड़ा बेस कम कर दो, थोड़ा सा कम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितम् कपित जंबू फल चारु भक्षण उमा सुतन शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। प्रथमे गुरु जी को वंदनम और द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमिरोमा शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। नमो नमो माता पिता के जिन से भया शरीर नमो नमो गुरुदेव की जिन्हें भजन लाल देह लाली लस हरिधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो शिव बैलन सवार। चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश इन सबसे बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो। तो जय 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 श्री श्याम विनय करो कर जो और भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत जियो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव।
बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की। आज बाबा का ही पावन दरबार, उनको बोलो थोड़ा मेरा लो मीट पर आएंगे, लो मीट इस बैंक्वेट हॉल में पहली बार लगने जा रहे हैं, पहली बार लगा है। सभी अरदास करेंगे बाबा से, हाई मीट को कम करिए हल्का सा, हाई मीट कि इस पावन जगह पर बाबा की कृपा बनी रहे। सारे मिलकर कीर्तन करेंगे। शाम तुमसे हमारी अर्जी है, शाम तुमसे कभी हमसे खफा नहीं होना, कभी हमसे खफा नहीं होना। कौन कौन चाहता है? शाम तुमसे Oh,
की धड़कन में
किया सुनना शाम तुझसे
सेगमेंट खत्म हो गया, हाथों से तालियां बजाकर मैं माइक में नहीं बोलूंगा, जोरदार आवाज में बोलेंगे क्या शाम जादू में से हमसे खफा नहीं होना शाम तुमसे पर जितने भी बैठे होंगे सब पर बहुत कृपा होगी, कोई कमी नहीं होगी, श्याम ने सब कुछ दिया होगा, लेकिन फिर भी सच्चाई यह है कि यह हम पर लुट गया है और हम सिर्फ इन्हें लूटने में लगे रहे, हम नहीं लूट पाए। आखिर में बाबा से कहा, बाबा एक कृपा कर दो बस, बस तेरा बसेरा हो, बोलो मेरे है नहीं हो, अगर है हो जाएगा तो फिर तो बेड़ा पार है, उसी है के लिए तो अरदास कर रहे हैं। मेरे दिल में बाबा बस तेरा बसेरा हो, भटकूं नहीं इस जग में, चरणों में ही डेरा हो, चरणों में ही डेरा हो। कौन कौन श्याम चरण में कौन कौन रहना चाहता है, मिलकर बोलिएगा, मेरे दिल में बाबा बस तेरा बसेरा हो, मेरे
मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई बीकानेर से, कोई आगरा से, चेहरे बहुत नजर आ रहे हैं। ये बहुत प्रेमी है जो सत्संग भजन में रहना चाहते हैं। सत्संग भजन का सुमन मुश्किल से खिलता है। सत्संग भजन का सुमन मुश्किल से खिलता है, मुश्किल से खिलता है। भजनों की बतियारी मेरा नैन बसेरा हो,
आंसुओं से सुनो मेरी कहानी, टपकने आंसुओं से सुनो मेरी कहानी, उबारो श्याम मेरे कौन तुम सा भजन खत्म हो गया।
हेलो मम्मी, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाना ठीक है? वीडियो कॉल कर रहा हूँ। हैं? मैं कर रहा हूँ, ठीक है? भाई साहब कहाँ जाओगे? हेलो, आज मौका अच्छा है, पूछो क्यों? आज मौका अच्छा क्यों पता है? कम लोग हैं, ज्यादा मिलेंगे। तेरा मेरा रिश्ता ऐसा, बोलो, तेरा मेरा रिश्ता ऐसा, थोड़े से ना टूटे, थोड़े से ना टूटे। तेरा मेरा रिश्ता ऐसा, थोड़े से ना टूटे, थोड़े से ना टूटे। मुझे पता है इस दरबार में 95% लोग ऐसे बैठे हैं जिनके सचमुच में बहुत तगड़ी डोर बाबा से बंधी हुई। प्रेमियों सुनाओ दिल से बाबा। ए भाई साहब, किसकी किसकी डोर बाबा से जुड़ी, किसकी किसकी, मिलकर बोलो। तेरा मेरा रिश्ता रहा है
बस मुझको आशिक ना आए, दर्द सहा ना जाए, ठाकुर मेरे जान ले इतना, ठाकुर मेरे जान ले इतना, साथ ना ऐसे ये छोड़े
थोड़े से न टूटे।
देखिए प्रेमियों, बगड़ू हरदाम हो गया, हरदाम जहाँ दो बार मुझे भी बाबा ने मौका दिया। भैया पिक्चर छूट गया। हेलो, बगड़ू इसमें नहीं, इसमें नीरज जी अग्रवाल श्याम प्रेमी है जिनका ब्रेन हेमरेज हुआ है और वह भी अस्पताल में है, उनके लिए सब अरदास करेंगे कि बाबा उनको जल्द से जल्द अपने पांव पर खड़ा करें और जल्द से जल्द वो श्याम दरबार में पहुंच पाएँ, बाबा के श्री चरणों में माथा टेक पाएँ। एक बार जोरदार जयकार बोल हारे के सहारे के। लाज बचाने वाले मैं तेरी शरण में आया, मैं वापस ना जाऊंगा दिल में ये सोच के आया मैं। हाथ उठा लो मिलकर बोलेंगे Come on!
बोलिए खाटू नरे आजकल हम लोगों के पास समय नहीं है, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। और 3 बजे न जाने रात को किस अधिकार से इसको पुकार लेते हैं, बाबा आ जा। क्यों भाई तुम्हारे पास रात को 3 बजे? हाँ चल रहे। तुमको नींद आती है रात को 3 बजे? तो क्या बाबा नौकरी करता है हमारी काटू की बस है जो रात को 3 बजे उठ के आ जाए, फिर भी ठीक है निकलो। अरे कुछ तो शर्म करो। ठीक, एक रात जो देता है ना ईमानदारी से। हम ना शुक्रे हैं, बस में बैठ रहे काटू। ये रोज आता है हमारे पास, हमारे कर्म ऐसे हैं एक भी काम हमारा ना बने अपने कर्मों के कारण। हम सोचते हैं इस मुकालते में रहते कि हमारी मेहनत से काम बन रहा है, ना शुक्रे हैं एक भी काम बन रहा है। कितना देर हो गया लाइफ से बनना है, ये आता है और बनाकर जाता है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। जब जागरण में बैठो ना समय मत देखो, जागरण में बैठो समय मत देखो, आज समय आएगा बिना बुलाए आएगा। इधर संकट चलेगा उससे पहले शाम नीले घोड़े पर बैठकर चल पड़ेगा। बहुत परेशान भक्त जिसका समय इतना खराब था, उगते सूरज के सामने उसे लगता था कि चारों तरफ अंधकार छाया है। उसने गुहार लगाई, बाबा अब पूर्ण रूप से हार गया, आजा बाबा
पापों के कारण मेरा जो विश्वास आज तक टिका है कि मेरा श्याम है वो टूट ना जाए, दो में से एक काम कर दे, या तो आ जा या ले जा। इब तो आजा करके बाबा श्याम मेरे श्याम, अरे इब तो आजा करके बाबा ले ले सवारी रे। बोलो इब तो लीले सवारी रे, तेरे होता कैया चारी रे, तेरे होता कैया।
क्यों जाना है? किसी ने पूछा क्यों जाए हम, ऐसा क्या होने वाला? किसी ने पूछा क्यों जाए हम, ऐसा क्या होने?
आर्टिफिशियल
किसी के बाल थोड़ी अपने हैं। अभी काट देंगे फिर थोड़ा। भैया सामने से बैठो आप लोग। कहाँ राजू भैया कहाँ है? ये तो ऐसा लग रहा है कि आप आंदोलन कर रहे हो। दादा यार इसको बहुत बहुत वो हो रहा है, गम गम हो रहा है। आइए प्रेमियों, हेड 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 इको कम कर दो यार थोड़ा, इसका डेप्थ बढ़ाओ, गेन बढ़ाओ इसका। हेड श्याम थारी चौखट में, श्याम थारी चौखट में आयो हूँ मैं हार के। बोलो श्याम थारी थार दरबार के लायक, अभी तक बहुत कुछ मिला है इसे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज भी हम इसके चौखट के काबिल नहीं बन पाए। अरदास की बाबा से लायक बना लो माने थार दरबार के, लायक बना लो माने थार दरबार। जो इनके दरबार के बनना चाहता है काबिल, वही इस भजन को गाना, पूरे हाथों से तालियां बजाकर लायक बना लो माने। I'm not afraid.
मुश्किल से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहा है, वो अपने ठाकुर से क्या कहता है।
थार दरबार श्याम थारे चौखट में नहीं, अमृत सबको नहीं मिलता। बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत खुश किस्मत है आप कि लोग खाटू जा कर आए हैं, लोग बाबा की यात्रा करके आए हैं, बाबा को निशान चढ़ा कर आए हैं। और कई ऐसे प्रेमी हैं जो फ्लाइट से उतरकर सीधे आ गए, ट्रेन से उतरकर सीधे आ गए। बताएं, सिर्फ बाबा आने से बाबा खुश नहीं होता, बाबा तो तब खुश होता है जब बाबा के प्रेमी आते हैं। जयपुर के अलावा जो भी आया है सचमुच में बाबा के भजनों का प्रेमी है, इसीलिए वो दरबार में आया है। इसलिए प्रेमियों, अपने आप को खुशकिस्मत मानना कि आज बाबा के आप सबसे करीब थे। हो सकता है भीड़ ज्यादा होती तो आपको पीछे बैठने का मौका मिलता। हालांकि मैं तो यही मानता हूँ कि आप कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, लेकिन दिल के अंदर में शाम का भजन है, शाम का भाव है। तो खाटू में खड़ा हुआ आदमी, खाटू में खड़ा है, ध्यान कहीं और है, उसे बाबा मिले ना मिले, हजारों किलोमीटर दूर बैठा उसके लिए बाबा चल कर जाता है उसके दरबार। आइए प्रेमियों, चार लाइन हमारी इस बहन ने कहा, चार लाइन। और कार्तिक चल रहा है, अमृत धो के आगे ले जाओ अमृत। नहीं नहीं, ये गलती कर रहे हो आप, अभी कमरे में ले जाके अमृत ले। जय श्री श्याम। बाबा को जब बुलाना होता है तब बाबा बुला लेता है। हमारी यही कमजोरी है कि हम बाबा को भूल जाते हैं। हम मीडिएटर को तो याद रखते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाबा आप पर हमेशा कृपा रखे बस। अंकल एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कभी खाटू नहीं गया। जब आपके जो शाम बगली का भजन सुना था ना, जब खाटू गया था, मेरे बड़े भैया हमें गांव के लड़के जाते थे, गांव से मैं 90 किलोमीटर दूर से आया हूँ। कल हमारे परिवार में शादी है और मैं बैनर देखा था गोविंद देव जी का आया। जब मैं आज भैया को फ़ोन भी करा था, भैया मैं 90 किलोमीटर दूर से आऊँगा, आपका कहाँ पर है? और बोला चौके टाँगे से 1/2 किलोमीटर दूर है। अब कान जी कौन से भैया थे या पता नहीं है, लास्ट नंबर थे 616, किसके भैया थे? थैंक यू भैया। और एक अंकल एक बात और बोलना चाहता हूँ, 2-4 महीने से ये संकट आ रहे हैं मेरे, जब बाबा जानते हैं मैं जानता हूँ, घर में किसको पता नहीं है, ना मेरी मिसेस को पता है, ना किसको पता है। कल शादी लगन टीके में से गया था,
मेरी मिसे रात को 12 बजे पूछी, आप है ना 2-4 महीने से ऐसे टेंशन में क्यों रहते हो, दिवाली में भी कपड़े नहीं लाए, बच्चों के लिए कुछ लाए नहीं, ऐसे क्या प्रॉब्लम है? मैं उसको भी नहीं बता पाया। अब बाबा जानता है या मैं जानता हूँ, मेरे मिसेज को नहीं बताया। अंकल आप इतनी कृपा कर दो, बाबा से इतनी कृपा कर दो, काम चल रहा था वैसे ही चले, मेरे को जाने नहीं चाहिए बस। जो पिछले साल चला था वही चले, मेरे को जाना नहीं चाहिए बस। बाबा अंकल आपसे ये भी नहीं करना। देखिए बैठो बैठो, देखो एक बात बताओ, खुशियों का बादल बरस रहा है तब बाबा है, और अगर दुखों का पहाड़ टूट गया तो बाबा नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हो सकता है लोग मजाक उड़ाए, पॉसिबल है, लेकिन आज पहली बार जिंदगी में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर शाम के हो, शाम पर अटूट विश्वास है, दुखों का पहाड़ टूट गया है, रात को जिस अगर वो तकिया अगर आपके आंसुओं के सैलाब से भीग गया, तो जब 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे जिस समय भी आंखें नींद के आगोश में आएंगी, मैं समझ लो आपको महसूस होगा कि आज सबसे ज्यादा सुखी होंगे। बहुत लोगों के समझ में नहीं आएगा ये बात, जो समझ जाएंगे उनको महसूस होगा कि दुख में ज़्यादा शाम नजर आता है, सुख में नजर नहीं आता। जब आपका कोई अपना नहीं होता ना, और जब आपका तकिया भीग जाता है, तो उस समय जरूर एहसास कराता है। अगर हाँ इसका विश्वास है तो मैंने महसूस किया है। इसलिए प्रेमियों, सुख और दुख आना जाना है। मुझे एक बात बताओ, कितना ही बड़ा तूफान आएगा क्या कर सकते हो? एक मिनट भी हम अपने आप को सेव नहीं कर सकते। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर काहे बात करो ना। दुख और सुख आना है और जाना है, दुनिया चलती है और चलती रहेगी, इसके भरोसे कि तू जाने और तेरा काम जाने, तू जाने और तेरा काम जाने, दुख दे या सुख तुझे नहीं छोड़ पाबा। सब लोग हम लोग ये समझ लेते कि दुख में बाबा ने छोड़ दिया, अरे नहीं, बाबा ने दुखों में छोड़ा नहीं, दुख में तो बल्कि बाबा को पहचान होती है कि कौन मेरा है ना, जो आंसू भी बहाता है लेकिन इसके दर पर आकर इसको लाड भी लड़ाता है ना। कष्ट हमारे कर्म, कष्ट ये नहीं देता, हमने कर्म किया इसलिए कष्ट आ रहे हैं। और ये विधि का विधान है कि जो कष्ट विधाता लिख कर भेजता है उतने भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक कितनी बड़ी लाइन खींची हुई है, पढ़ा है ना आपने, इस लाइन से बड़ा बनना है, इस लाइन को काटने से बड़ा नहीं बनोगे, इस लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींच दोगे तो बड़ा बन जाओगे। एक चीज बताऊं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर में बड़े से बड़े ऑपरेशन होते हैं, 10-10 घंटे 15-15 घंटे के ऑपरेशन होते हैं, शरीर को चीरता है डॉक्टर, दर्द नहीं होता, होता है। चीरने के बाद जब सिलाई करता है, उसके बाद जब ओटी से बाहर जब आईसीयू में लाता है या बेड पर लाता है, दर्द नहीं होता, दर्द बहुत होता रहता है, बहुत होता रहता है, लेकिन वो दर्द महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि डॉक्टर उस दर्द के अगेंस्ट पेन किलर दे देता है, दर्द का एहसास नहीं होने देता। जिसको श्याम पर अटूट विश्वास होता है ना, दुख लाखों आते हैं लेकिन दुखों को ऐसे काट देता है, एहसास ऐसा करा देता है कि वो पेन किलर का काम करता है। जीरो से
पहले अगर 500 रुपए कमाते थे, आज अगर 5 लाख कमाने लग गए, 6 महीने से कमाई 4 लाख हो रही है, तो हम बाबा को, बाबा क्या कर दिया? अरे पागल, 500 से 5 लाख किया, तब तूने गिना था कि 500 से 5 लाख कहाँ से कहाँ पहुँचा है। अभी भी आप 3,99,500 गेनर हो अभी भी। मूर्ख सोचते कि लाख घट गया, लेकिन जो प्रेमी होते हैं वो सोचते कि अभी भी मैं 3,99,500 गेनर हूँ। जब इसके पास आया था तो सिर्फ 500 रुपये होते थे मेरे पास में, इसके कारण 5 लाख हुए। आज मेरे कर्मों के कारण अगर 1 लाख तो भी बाबा मेरे साथ है। जिसकी सोच ऐसी होती है ना, उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है, चिंता नहीं करने का। कल भी अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा, और हमेशा अच्छा होगा। जीवन जब तक है, अगर आपका विश्वास इस पर है तो बुरा नहीं होगा। आइए इस भजन के साथ समापन करेंगे, और ये भजन भी शायद है आपके, मुझे नहीं पता। देखो, आपने कहा कि मैं बाबा को नहीं जानता था, आपने पगली सुनाई। अरे पागल, उस दिन आपके लिए शायद बाबा ने मुझे कहा हो कि मुझे पगली सुनाना है ना, मैं थोड़ी सुनाता हूँ। या कोई भी भजन, कोई भी भजन से अगर कोई जुड़ा है तो उस दिन शायद उसकी मर्जी थी, इसलिए वो भजन नहीं कर सकता। हम कहाँ से होते हैं? ये है, आइए ये भजन भी महीने में। बोलिए खाटू नरेश की, बैठन बजाइएगा, कैमरा ना जमता नहीं, वो अजीब फिर म्यूजिक पार्ट नहीं बन पाता है, अजीब हो रहा है। अरे हेलो चौधरी साहब, दोनों बजे पूरा से पूरा क्या होगा? भाई साथ छोड़ देगा, चाचा था वो साथ छोड़ देगा, बेटा साथ छोड़ देगा, अरे लोगों का तो साया भी साथ छोड़ देता है, फिर भी वो क्या कहता है? मुझे गम नहीं इस बात का, साया बिना मेरे संग है। बोलो, मुझे गम नहीं इस बात का, साया बिना मेरे संग है, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का, मेरा सांवरा मेरे संग रखता ये, जैसे रखता हूँ, जैसे रखता ये।
पल तेरे साथ।
सोचता हूं मैं मुझ में क्या देखा, पल में बदला है भाग्य का लेखा। अरे पगले जो बिना स्वार्थ के खाटू गया, कसम से हम की एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको छप्पर नहीं फाड़ा। लेकिन जाने से पहले ही सोचते जाते हैं होगा कि नहीं होगा, वही अटक जाते। बहुत से ऐसे लोग पिकनिक मनाने गए, पिकनिक मनाने गए नहीं रहे थे। यार दोस्त ने हाथ पकड़ कर लिया, अरे चल यार, अरे अरे चल यार, साथ रहेंगे, आनंद करेंगे, मौज करेंगे। वो ये सोच कर गया कि मौज करेंगे और इसके दरबार में तो प्रेमी और मौज ही है। उसको बाबा के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए उसने सोचा ही नहीं मौज करेंगे। सोच कर गया, दुखड़ों की याद ही नहीं आई, और वहां से आने के बाद छप्पर फाड़ दिया। तब एहसास हुआ कि सचमुच में मौज जो यहां पर है वो कहीं नहीं है। मोहित बदली है कर्मों की रेखा, मोहित बदली है कर्मों की रेखा। मुझे गम नहीं इस बात का, जीवन कटी सी पतंग है। मुझे गम अब सुनो, लोगों ने कटी पतंग को बदनाम कर दिया, मूर्ख है बोलो जो कहते मेरी जिंदगी जीवन कटी पतंग है। अरे पागल, वो नकली आदमी कटी पतंग का महत्व वो जानते हैं जो हार्ट में प्रेशर हो। छत्तर उड़ाई किसने पता, किसने किसने उड़ाई, एक बार हाथ उठा कर बताओ। मैंने नहीं उड़ाई, फिर भी मैं देखा तो बता रहा हूँ। पतंग का दस्ता रखा रहता है, ठीक है। एक बार सुनो सुनो, मेरे पेट पे लात में पता रहा, ज्ञान हाथ मत दो। पतंग का दस्ता रखा रहता है ना, 100 150 200 500 पतंग पड़ी, पतंग उड़ा रहे हैं। अचानक एक पतंग कटी हुई आई है, ठीक है ना, जो उड़ रही है वो कट जाए भले कि कटी हुई को लूटना है। मैं गलत बोलता हूं तो बता देना। हर साल खबर आती है पतंग लूटने के चक्कर में, ये ऊपर से गिर गया, टांग टूट गई, हाथ टूट गए, परवाह नहीं करते। उस कटी पतंग में क्या है भाई, उस कटी पतंग को तुम लूट सकते हो, है ना। जीवन रूपी कटी पतंग को श्याम लूट लेता है। हमारे हाथ से तो फिर भी छूट जाती है, एंटीना में फंस जाती है, पेड़ों में फंस जाती है, लेकिन जिसको ये लूटता है ना वो कहीं नहीं फंसता। प्रेमी मुझे गम नहीं इस बात का, जीवन कटी सी पतंग। मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गर्व है इस बात का, मेरा साथ मेरे संग है। मुझे गम इस बात का, साया भी ना मेरे संग है। ई माइनर कर दो, ई माइनर। पतंग वाले की दो लाइन सुना दूं। काली घटाए
इनके छतरे के नीचे हमें इनकी छतरी के नीचे हमें आगे आगे ये चलता मेरे मेरे मालिक के पीछे हमें। आसाम में शिव सागर कीर्तन था, इंटीरियर आसाम। उन्होंने लिस्ट दी, उसमें सबसे पहला भजन यही था। मैंने कहा चलो, जैसे मैंने शुरू किया 15-20 लड़के बहुत बड़ा छाता लेकर आए, 20 लड़के छाता पकड़ कर लंबा चौड़ा ऐसा भी है छतरी, अरे पानी ये छतरी बचा ले। शाम देखो इतना अच्छा छतर है वो, घर में मेन मंदिर के अंदर में जो फोटो मूर्ति होती है ना उसके ऊपर इतना सा छतर लगा दो, इतना सा चांदी का नहीं भी लगा सकते कोई परवाह नहीं है, सोने का नहीं लगा सकते परवाह नहीं है, पीतल का भी लगा दोगे ना तो सोने चांदी में खिला दे। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, कहाँ हम लोग थे साथ में, वरदानी बाबा के कलकत्ते से 250 किलोमीटर दूर बाबा वासुकीनाथ का दरबार सुना है ना, और वहां से 7-8 किलोमीटर आगे वरदानी बाबा सांप नहीं बन गया काटा है कभी ऐसे 2 टायर में उस दिन बोगी खाली थी, 2 बुजुर्ग अच्छे अद्दी का पढ़िया कुर्ता धोती उम्र 65-70 की होगी, वो भी वही जा रहे थे, एक दूसरे से कह रहा है वरदानी बाबा के मंदिर में जो ऊपर छत लगाई है ना मेरे बेटे ने बनाई, हमने बनाई, मुझे बहुत मैंने बनाई, मेरे से रहा नहीं गया। मैं बगल में जाके बाबा जी आपने तो बहुत बड़ा काम किया, हम भी उस वरदानी बाबा के पास जा रहे हैं, अपने बाबा के मंदिर में छत बना दी कितना बड़ा काम किया, आपके घर की छत किसने बनाई थी? 2 मिनट के अंदर उनको समझ में आ गया कि गलती हो गई। कहा बेटा गलती हो गई, एक पंखा लगाते हैं ना धर्मशाला में, तीनों ताड़ियों पर बाप का दादे का ध्यान पड़ दादे का नाम लिखा देते, 600 रुपया में खरीद लेते हैं, 600 रुपया में खरीद लेते हैं, उनको हवा नहीं लगती प्रेम, लेकिन जो इधर से देते हैं इधर नहीं पता चलता है, जो इधर से देते हैं इधर नहीं पता चलता ना, उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए छाए काली ये बातें वही गर्व से कह सकते हैं, छाए काली घटाए तो क्या इनकी छतरी के नीचे हमें, मेरे मालिक के पीछे।
पकड़ा मुझे डरने की सावरा जब मेरे साथ है मुझे डरने की इनके रहते कोई कुछ कहे बोलो किसकी ये देखे ना वो कलकत्ता में बोलते हैं ए दादा देखे ना वो पूरे पूरे हाथ उठाना पूरे पूरे और मिलकर तालियां बजाकर सावेदा जब तेरे शुरू हो जाएगा। इसमें आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। सबसे निवेदन करूंगा खाटू